हेलो डियर स्टूडेंट्स, सीजीएल टीयर वन का रिजल्ट के बारे में हम जानेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट बातें हम करेंगे, तो बिना स्किप के पूरी वीडियो देखें। शुरू करते हैं हम वीडियो को। देखिए, नोटिस आया हुआ है ऑफिशियल कि जनवरी में 18, 19 और 20 जनवरी यानी कि 3 दिन में टीयर टू का एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। 3 दिन एग्ज़ाम होगा, इसका मतलब टीयर वन में मैक्सिमम बच्चे पास किए जाएंगे। पहला केस क्या रहेगा? पहला केस है कि जो हम कट ऑफ ये मान के चल रहे हैं कि अप्रॉक्स 140 के आसपास रहेगी जनरल कैटेगरी की, हो सकता है ये कट ऑफ कम की जाए, क्योंकि जब कम की जाएगी तभी मैक्सिमम बच्चे क्वालिफाई कराए जाएंगे टीयर वन में। अब क्योंकि यहाँ पर एक लॉजिक ये भी है कि करीब 18 से 20 लाख बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है, तो ये संख्या ही बहुत है अपने आप में, तो कट ऑफ कम कराने के चांस बहुत कम हैं, क्योंकि आराम से इनको बच्चे मिल जाएंगे इतने। केस टू ये भी बन रहा है कि यहाँ पर एक थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग ये हो सकती है कि हो सकता है 10 गुने के आसपास टीयर टू के लिए क्वालिफाई कराए जाएं बच्चे, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि 18 से 20 लाख बच्चों ने तो एग्ज़ाम दिया है, इतने बच्चे इनको मिल ही जाएंगे, 140 के आसपास होंगे, तो ये कोई कंपलसरी नहीं है कि 10 गुने बुलाए जाएंगे। कट ऑफ के बारे में पूरी डिटेल्ड वीडियो बनी हुई है, लिंक आपको यहाँ आई कार्ड में दिख रहा होगा, सारी पॉसिबिलिटीज, सारे केसेस जितने बन सकते हैं सब कुछ बताया गया है, तो ज़रूर देख लें आप लोग वीडियो को। टीयर वन रिजल्ट की बात करें तो देखिए, डिले तो ये हुआ है थोड़ा सा, अब तक तो आ जाना चाहिए था, लेकिन अब क्योंकि एग्ज़ाम डेट भी क्लियर कर दी है कि जनवरी में ही हम एग्ज़ाम लेंगे, मिड जनवरी में, कि मंडे तक यानी कि 25 नवंबर तक आपको रिज़ल्ट 99% पॉसिबिलिटी है कि 25 नवंबर तक आपको रिज़ल्ट मिल जाना चाहिए टीयर वन का। चैनल के साथ बने रहें, ध्यान रखें अपना, पढ़ाई करते रहें। बाय।